Hello to everyone, myself Dipendra Singh, and today we are going to see exercise 1.4, and today we will see all word problem of the same exercise 1.4. Let's see one by one all the question. So the first question is question number 5. We will read word problem at least 2 to 3 times, because then only you will able to understand all the concept of the question. Okay, let's read the question. The temperature at 12 noon. Point to be noted, 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. Above zero means plus 10. Above zero means plus 10. Below zero means minus sign. Above zero plus sign will come, and below zero minus sign will come. If it is decreased, decreased means again minus sign, at the rate of 2 degrees Celsius per hour means har ek hour mein 2 degree kam ho jata hai. Until midnight, again point to be noted. Midnight means 12 o'clock in the night. Then another part of the question, at what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? Again, point to be noted, 8 degree Celsius below zero means minus 8. Above zero means plus 10, right? And 8 degree Celsius below the zero means minus 8. So you must understand the vocabulary of this chapter. Above zero means plus 10 and below zero means minus 8. Then you had been asked the question, what would be the temperature at midnight? Midnight mein temperature kya hoga? Midnight means 12 o'clock in the night. So yahan pe do question puche gaye hain, hame dhyan dena hai. You had been asked 2 question over here. The first question is, at what time would be the temperature 8 degree Celsius? Ye pehla question hai, right? Pehla part hai question ka. और दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए कि 8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पर होगा, दूसरा क्वेश्चन है कि मिडनाइट में कितना टेम्परेचर होगा। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब देंगे अपन। ओके, लेट्स सी सॉल्यूशन। इट्स अ लेंथी एंड डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन। आफ्टर दैट आई विल टेल यू अ शॉर्टकट मेथड ऑल्सो। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव मेथड। सो इनिशियल टेम्परेचर एट 12 नून, मतलब दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, एंड देन इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग बाई माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। आई टोल्ड यू दैट डिक्रीज मीन्स माइनस साइन आएगा। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? माइनस साइन, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर पर आर माइनस साइन मैंने यहाँ पे डिनोट करा है, क्योंकि डिक्रीज का मतलब ये होता है डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, मतलब माइनस साइन आएगा। ओके, तो करेक्ट 1 आवर बाद टेम्परेचर क्या होगा, जो रिजल्ट होगा टेम्परेचर का वो क्या होगा? इनिशियली इट वॉज 10 डिग्री सेल्सियस, देन इट इज डिक्रीजिंग पर आर माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो माइनस 2 डिग्री सेल्सियस वी विल ऐड देयर, we will add, and after adding it we will get 8 degree celsius, ठीक है? फिर another 1 hour पे क्या होगा, जो result आया था temperature को उसमें फिर से minus 2 degree celsius कर देंगे, ठीक है? हम तब तक करेंगे जब तक मुझे 8 minus 8 degree celsius नहीं मिल जाता है, क्योंकि यही हमसे पहला जो question part था, question का पहला part था, उसमें यही आपसे पूछा गया था कि minus 8 degree celsius किस time पर होगा, तो हमें तब तक minus 2 decrease करना है जब तक ये माइनस 8 नहीं आ जाता है। सो बेसिकली टेम्परेचर एट 9 o'clock एक आर बढ़ाते हम गए, एक आर बढ़ाते गए, माइनस 2 इधर घटाते गए, एंड देन वी गॉट माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। सो एट विच टाइम माइनस 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल बी? सो एट 9 o'clock माइनस 8 डिग्री टेम्परेचर, राइट? तो पहला क्वेश्चन जो है पार्ट डन हो गया, राइट? ये तो रहा डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब आते हैं अपन शॉर्टकट में। शॉर्टकट कैसे करते हैं कि यू नो अबाउट नंबर लाइन, राइट? एंड इन नंबर लाइन देयर इज ऑलवेज इन बिटवीन जीरो, यू नो अबव जीरो टेम्परेचर इट वाज 10 डिग्री सेल्सियस, तो मैं यहाँ पे 10 लिखे दे रहा हूँ, और यहाँ पे बिलो 8 था तो बिलो यहाँ पे माइनस 8 कर दूंगा मैं। एंड नाउ यू हैव टू टेल व्हाट इज टोटल नंबर कम फ्रॉम हियर टू देयर। ये टोटल नंबर कितने होंगे? तो हर किसी समझ में आ रहा होगा ये टोटल नंबर 18 होंगे। वी हैव टू ऐड देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, बिकॉज आई एम काउंटिंग टोटल लेंथ फ्रॉम माइनस 8 टू 10, और ये सारी चीज़ें मैं आपको नंबर लाइन में सिखा चुका हूँ। सो इट विल कम 18, राइट? नाउ 18 विल कम टोटल, राइट? एंड टेम्परेचर इज गेटिंग डिक्रीजेज बाई 2 डिग्री सेल्सियस। इफ आई टेक 2 degree Celsius, you know, absolute value, so it will come 2 only. So now I will divide by 2 to 18. मैं 18 को 2 से divide कर दूंगा, तो result क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है? और यही 9 basically के time हो जाएगा 9 o'clock. So it is a shortcut method you can follow also, right? And descriptive method is also there, how it is coming.
So basically, we are adding these two numbers, their absolute value, and we are dividing by 2, and automatically, 9 will come. And when it is applicable? It is only applicable when time is starting from 12 o'clock. जब ये 12 o'clock से start होगा, तभी ये rule apply होगा. ठीक है? 12 o'clock मतलब ये basically 0-0 होता है. 0-0. 0-0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6. It is like that. Okay. So first part we have solved. Now we are going to solve the second part of the question. Right? So therefore the temperature will be 8 degrees Celsius below 0. Right? At which time? At 9 o'clock. Let's see another part of the question. It will take 12 hours to be midnight. बहुत सीधी सी बात है. दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे में कितना टाइम लगता है? 12 hours. We all know that. It will take 12 hours to be midnight. Right? I 12 a.m. Right? And 12 noon. So basically 12 hours are there. And per hour minus 2 degrees Celsius is getting decreases. So simply we'll multiply. Means in 1 hour minus 2 degrees Celsius. Then for 12 hours, it's very simple. Unitary law will apply. And after applying unitary law, we'll multiply and it will come minus 24. Matlab ki midnight mein, jo change in temperature hoga, wo hoga minus 24 degree Celsius. Ab hum dekhenge resultant temperature. Resultant temperature matlab pehle se hi 10 degree Celsius tha. Pehle se hi 10 degree Celsius tha. Aur change in temperature kitna hua hai? Minus 24. So again, we will add them up. After adding this, we'll get minus 14 degree Celsius. Therefore, the temperature at midnight will be 14 degree Celsius below zero. Either you can write minus 14 degree Celsius or else you can write 14 degree Celsius below zero. I told you, you must understand vocabulary of this chapter. Below zero means minus, above zero means plus. I hope you got this question. Let's move in the another question. So, students, we are going to solve now question number 6. This question is also a word problem only. So we are going to read the question one or two times very carefully. This is the simple trick that you can follow in all word problem question. At least you have to read it 2 to 3 times. So we are going to read it. Okay. And main points you have to take care. In a class test, +3, point to be noted. In class test, +3 marks are given for every correct answer. For every correct answer. This point is very important. And actually, these are the key points that you have to remember. And that will help you to solve the answer of this question. Okay. And minus 2. Again, point to be noted. Minus 2 for the every incorrect answer. For every incorrect answer. +3 for correct answer. Minus 2 for incorrect answer. And another part of the question. No marks. No mark for attempting. For not attempting. For not attempting any question, right? So basically, this part just for the information, and we can say practically we are not going to use this line, but this is for our information, right? If any question we are not attempting, so for that we are going to get no marks, right? Means 0 marks we are going to get. Okay, so this is the instruction from the question side. Now parts are coming of the same question. And what are the parts? The first part has been come. Radhika scored. राधिका ने कितना स्कोर किया? 20 मार्क्स स्कोर करा है. उसने 20 मार्क्स स्कोर करा. इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर. 12 करेक्ट आंसर करा. 12 करेक्ट आंसर के लिए, एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स होते हैं? +3. दे हैव आस्क्ड हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. आपको ये बताना है कि हाउ मेनी क्वेश्चन शी हैज अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. ये आपको आंसर बताना है. लेट्स सी सॉल्यूशन. So it is solution, obtain, marks obtain. These two information from the question we are getting. ये तो हम question से हमें समझ में आ रहा है. Main question में हमें बता दिया गया था कि for one right answer +3, wrong answer -2. Now let's see first part. Marks scored by Radhika, how much total marks she scored? 20 marks. And marks obtained for 12 correct answer, means we'll simply multiply, we'll apply unitary law. For one correct answer, 3 marks. Then for 12 correct answer, so simply we'll multiply 12 into 3, it will come 36. Now marks obtained for incorrect answer, right? Marks obtained for incorrect answer, it's very simple that from total score, we will subtract marks obtained for 12 correct answer. Total score mein se hum 12 correct answer ko subtract kar denge, to automatically hume pata chal jayega कि कितने मार्क्स हमें ऑब्टेन हुए हैं इनकरेक्ट आंसर से. इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि तीन ही चीजें डिफरेंस में, एक टोटल स्कोर है, करेक्ट या तो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा,
दोनों को मिला के टोटल स्कोर आता है। ठीक है, इनडायरेक्टली मैं बोल लूँ कि इनकरेक्ट आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वील सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल स्कोर टू करेक्ट आंसर्स। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो नाउ टोटल स्कोर इज बेसिकली 20 एंड मार्क्स ऑब्टेन फॉर 12 करेक्ट आंसर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया 36, सो वी विल सब्ट्रैक्ट इट। टोटल में से ही तो हम करेक्ट आंसर सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट वी आर गेटिंग -16। व्हाई वी आर गेटिंग -16? बिकॉज 36 इज अ बिगर नंबर। ठीक है, बिगर नंबर है, इसके आगे माइनस साइन लगा है, तो यहाँ पे रिजल्ट भी माइनस साइन आएगा। ओके, मार्क्स ऑब्टेन फॉर 1 रॉन्ग आंसर। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड -16 एज अ मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, इसी सेम क्वेश्चन में, दूसरे पार्ट में, कि मार्क्स ऑब्टेन फॉर 1 रॉन्ग आंसर, एक रॉन्ग आंसर के लिए क्या है, -2 है, तो टोटल स्कोर -16 था, तो हम इसको उठा के डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे जो उसने रॉन्ग अटेम्प्ट करे, जो राधिका ने रॉन्ग अटेम्प्ट करे थे, तो -16 डिवाइड बाई -2। बहुत सिंपल है कि इसमें 1 रॉन्ग आंसर के लिए -2 है, तो टोटल स्कोर -16 है, तो वी हैव टू डिवाइड इट। तो 1 रॉन्ग आंसर के लिए -2 है, तो टोटल स्कोर 16 था, तो हम डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 8 जो है इनकरेक्ट उसने अटेम्प्ट करा, मतलब 8 क्वेश्चन शी हैज अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। सो इंस्ट्रक्शंस आर सेम फॉर द क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन आर सेम मीन्स +3 फॉर करेक्ट आंसर, -2 फॉर इनकरेक्ट आंसर, एंड नो मार्क्स मीन्स 0 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, राइट? सो इंस्ट्रक्शंस आर सेम, एंड दिस टाइम ओनली कंडीशन हैज चेंज, so they have given the same condition only like the previous question, like Mohini score -5 marks in the test, वहाँ भी total score आपको दिया हुआ था, ये same पहले ही जैसा part है, तो ये आपको खुद से attempt करना है। यहाँ मैं solution आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे video को रोक सकते हो और सारा solution देख सकते हो। I am moving in the third part of the same question, and for third question condition are same, एंड दिस पार्ट इज अ बिट ट्रिकी, तो इसको हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एंड कंडीशंस आर सेम मीन +3 फॉर करेक्ट आंसर, -2 फॉर इनकरेक्ट आंसर, एंड 0 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। सो कंडीशन आर सेम। ओके, वी आर गोइंग टू सी सोल्यूशन ऑफ द सेम क्वेश्चन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। राकेश स्कोर 18 मार्क्स बाई अटेम्प्टिंग 16 क्वेश्चन। ठीक है, कितने मार्क्स उसे मिले, तो यहाँ पे उन्होंने जो है सीधे सीधे दे दिया है कि भाई 16 मार्क्स उसने टोटल, सॉरी 16 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे और 18 मार्क्स उसे मिले हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, लेट्स सी सॉल्यूशन। टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय राकेश 18 मार्क्स, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड 16 क्वेश्चन, राइट? नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, इफ आई विल मल्टीप्लाई बाय 3, so total score of correct answers will come, and plus number of incorrect answer, if I'll multiply by -2, so total score of incorrect answers will come, and definitely if I'll add them, then it will come equal to total score, and total score you are given in the question only, that is 18 marks. तो correct answer को मैं multiply करूँ, जितने भी correct answer इसने करे हैं उसको multiply कर दूंगा 3 से, जितने incorrect answer करे उसको multiply कर दूंगा -2 से, अगर मैं इन दोनों को add कर दूंगा तो ये आ जाएगा total marks. Okay, let's see another line of the solution. Number of correct answer, we know that number of the same thing I am copying over here, number of correct answer multiply by 3, right? I have written as before only, plus total question kitne the 16 ko bhi to kahin na kahin use karna padega, to 16 hamari help ke liye diya hua hai, to number of incorrect answer, so total questions are 16, to 16 mein se agar number of correct answer main subtract kar dun, to number of incorrect answer nahi aayega, automatically number of incorrect answer aa jayega, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट दो ही कंडीशन हो सकती है, तो टोटल क्वेश्चंस हैं 16 में से करेक्ट आंसर्स में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इनकरेक्ट आंसर्स आ जाएंगे, दैट वी आर डूइंग ओवर हियर। सो बेसिकली 16 माइनस नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन मल्टीप्लाई बाय -2। लेट्स सी नेक्स्ट लाइन, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन 3, सेम थिंग आई कॉपीड ओवर हियर। नाउ तो यहां पे -2 को हमको ईच एंड एवरी टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन वी हैव मल्टीप्लाइड। ओके, लेट्स सी अनदर लाइन। सो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इन 3,
same thing I have copied over here. Now minus 2 I'll multiply inside the bracket, or else you can say we are applying over a distributive property, means minus 2 I'm distributing equally among each and every element present into the bracket. मैं माइनस टू को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ओवर द माइनस साइन, ओवर द माइनस साइन. माइनस टू मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट के अंदर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ओवर द माइनस, मीन्स माइनस टू इंटू 16 इट विल कम माइनस 32, राइट. एंड माइनस टू इंटू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, सो माइनस टू into it is also minus, and before number of correct answer it is also minus, so minus minus will become plus sign, minus minus will become plus sign, same sign will always lead to plus sign. तो ये line I hope कि आपको समझ में आ रही होगी. मैंने ये वाली line same यहाँ से copy कर लिया है. अगर मैं second part की बात करूँ तो second part को मैंने यहाँ पे multiply करा है inside the bracket, distributive property over the subtraction मैंने लगाया है, तो each and every element I have to multiplied by minus 2, मैंने minus 2 से multiply कर दिया, 16 into minus 2 it will come minus 32 क्योंकि opposite sign है तो minus sign आएगा. यहाँ पे माइनस नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इनटू माइनस टू, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है. देन प्लस टू इनटू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर. आपको नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, ये पूरा सेंटेंस एज अ वेरिएबल डील करना पड़ेगा, एज अ वन वेरिएबल डील करना पड़ेगा, ठीक है. इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसे. ओके, एंड टोटल स्कोर इट वॉज 18 ओनली. तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो अपन आगे देखते हैं. नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इनटू 5, ये 5 कहाँ से आया? अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ये भी है और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ये भी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है और ये भी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है, दोनों सेम है. तो ये नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इनटू 3 है, ये नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 2 है, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बिकॉज दे आर सेम वेरिएबल. सेम वेरिएबल हमेशा ऐड हो जाते हैं, सेम वेरिएबल हमेशा ऐड हो जाते हैं, तो वी हैव ऐड देम अप, मीन 3 प्लस 2 5, ठीक है. सो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इनटू 5 आ जाएगा, एंड प्लस माइनस 32, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट इट इनटू द ब्रैकेट ओनली, आपको ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा बिकॉज दिस नंबर विद द नेगेटिव साइन, तो वी हैव टू राइट इनटू द माइनस. चलो यहां तक आपको समझ में आ गया, आई होप यू आर गेटिंग इट. नाउ माइनस 32 आई विल सेंड इनटू अनदर साइड, आई विल सेंड इनटू अनदर साइड मींस इक्वल टू के मैं इधर भेज दूंगा, इक्वल टू के इधर है मैं इधर भेज दूंगा. कुल मिला के हमारा पर्पज क्या है? मुझे नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स मुझे पता करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर को मैं इधर होल्ड करूंगा, बाकी उसके अलावा जो भी है मैं उसको अनदर साइड भेज दूंगा. तो मेरी कोशिश यही रहेगी, तो सबसे पहले मैं माइनस 32 को भेजूंगा उधर. अब माइनस 32 है, मैंने आपको रूल बताया था जब मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बता रहा था इंटीजर्स की, कि जब भी कोई नंबर हम इक्वल टू के उधर ट्रांसफर करते हैं तो बेसिकली साइन चेंज हो जाता है. सो माइनस 32 व्हेन वी विल गो दैट साइड, सो इट विल बिकम प्लस 32, राइट, इट विल बिकम प्लस 32. सो 18 प्लस 32 इट विल बिकम 50, ये 50 बन जाएगा. अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इनटू 5 है, राइट. साइन विल ऑलवेज चेंज, आई टोल्ड यू प्लस विल चेंज इनटू माइनस, माइनस विल चेंज इनटू प्लस, मल्टीप्लिकेशन विल चेंज इनटू डिवाइड, एंड डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन. So these are rules you have to apply when you are sending any number from one side to another side, right? Same rule I am applying over here. So number of correct answers, how many correct answers? So what I have to do over here? 5 यहाँ पे multiplied है, तो ये 5 इधर आएगा, तो ये upon में आ जाएगा, मतलब divide में आ जाएगा, 50 by 5 आ जाएगा, 50 divide by 5 आ जाएगा, तो 50 divide by 5 मतलब 10 हो जाएगा, तो 10 answer आ जाएगा. तो कुल मिला के number of correct answer will be 10. So therefore number of incorrect answer, so total question he has attempted 16 उसने total question attempt करे थे, right, and 16 minus 10 it will come 6 only, and elevator descent मतलब होता है नीचे उतरना. माइन शाफ्ट क्या होता है? माइन शाफ्ट होता है कि जहाँ पे माइनिंग होती है बेसिकली वहाँ पे एक सकरा रास्ता होता है जो कि नीचे को जाता है, right, and उसी में elevator fix होता है, उसी में एलिवेटर फिक्स होता है, और ये ग्राउंड लेवल के ऊपर रहता है, इसमें लोग जैसे एंटर होते हैं और फिर यही एलिवेटर नीचे चला जाता है, राइट, क्योंकि माइनिंग नीचे ही होती है, अंडरग्राउंड ही माइनिंग होती है. एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ हाउ मच? 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर वो नीचे चला जाता है. इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 अबव द ग्राउंड, अगेन अबव द ग्राउंड मीन्स प्लस 10,
above the ground means plus 10. And how long it will take? Minus 350 meter. ठीक है, minus 350 meter below the ground 350 meter. Let's see solution. So distance descended denoted by a negative number, that we know it. And initial height plus 10 क्यों लिया गया है? Plus 10 इसलिए लिया गया है क्योंकि above the ground है. Final depth कितनी है? Final depth -350. If I talk about total distance कितना हो जाएगा? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बीच में जीरो है, right? बीच में जीरो है, इधर plus 10 है, right? And इधर कितना है? -350. If I'll add total distance from here to there, so basically we know that we have to add their absolute value. हमें इनकी absolute value को add करना पड़ेगा. Total length, अगर मैं ये जो line मैंने draw करी है, इसकी मैं total distance पूछूं थी कि basically मुझे दोनों number को add करना पड़ेगा. Total distance to be descended by the elevator will be -350 and then minus and in bracket plus 10. So it will come -360. तो total distance कितना आ जाएगा? -360 आ जाएगा. आप number line से भी guess कर सकते हो या फिर यहाँ पे normally भी दे सकते हो. -350 उसका पहले sign था और उसको मैंने subtract कर दिया क्योंकि वो ऊपर की distance थी तो इसलिए मैंने मतलब minus subtract करा है. Sign 10 का तो plus ही आएगा लेकिन minus मैं किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि ऊपर का distance है. ठीक है, तो ये -360 आ जाएगा. Not time taken by the elevator to descend -6 meter in 1 minute. तो एक मिनट में कितना -6 meter आता है? ठीक है, how much in 1 minute? Basically -6 meter descent को फिर से descent मतलब नीचे उतरना होता है. तो यहाँ पे 6 को मैं minus sign से denote कर रहा हूँ. Again thus time taken by the elevator to descend, time कितना लगेगा? तो -360 meter total था. तो -360 meter को हम 6 से -6 से divide कर देंगे, right? And it will come 60 minute, right? 60 minute means 1 hour. जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन में करा था, पहले क्वेश्चन मैंने यही करा था कि वहाँ पे जो टोटल 18 आया था, तो 18 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया था. 9 हैज बिकम द आंसर. तो सेम यहाँ भी हम करेंगे. टोटल हमारे पास -360 आया है, ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली -6 जो है पर मिनट डिसेंडिंग और, ठीक है, तो -6 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 60 मिनट्स आ जाएगा. 60 मिनट मतलब 1 आवर आ जाएगा.